जो भी न्यू व्यूवर्स हैं सिर्फ उनसे कहना चाहूंगा, आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा, फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो और जैसे ही क्लिक करोगे एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर देना। इससे आपका फायदा है। देखो यार, यहाँ पर बीजीएमआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आता है, कोई भी न्यूज निकल के आती है, ऑफिशियल्स की तरफ से अपने को कुछ देखने को मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ देखने को मिलता है, अगर आपको सबसे पहले अपडेटेड रहना है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये स्टेप जरूर से फॉलो करना, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। तो गाइस, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से ये पूछा था कि भाई आपने अभी तक अपने अकाउंट के अंदर कितनी यूसी लगाई है मुझे कमेंट करके बताओ। भाई बंदों ने इतनी कमेंट करी भाई, मतलब यहाँ पर 50,000 लगाई है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, भाई बंदों ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है अपने अकाउंट के अंदर। और काफी सारे बंदे अभी डरे हुए हैं कि भाई हमारा पैसा डूब गया, हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब गई, हमारा टाइम डूब गया, मतलब जो हमने टाइम लगाया, हमारी फीलिंग्स हो गई, यहाँ पर हमने अचीवमेंट कंप्लीट करा, रॉयल पास, सब कुछ डूब जाएगा एक साथ ही। और गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखो यार अपना BGMI प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हट चुका है, ये मैं मानता हूं, लेकिन BGMI अभी टेंपरेरी बैन है, ठीक है, परमानेंट बैन अभी तक नहीं हुआ है, टेंपरेरी बैन है, ये टेंपरेरी ब्लॉक करा गया है। आपको पता होगा इसके ऊपर जो धारा लगी है वो लगी है 69A की धारा लगी है, ठीक है, जो कि अपने सेम टू सेम PUBG मोबाइल के ऊपर लगी थी। अब PUBG मोबाइल की बात कर रहा हूं तो डर मत जाना कि भाई PUBG मोबाइल तो बैन हो गया। देखो यार, PUBG मोबाइल बैन हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG मोबाइल को दिए थे टोटली यहां पर 2 वीक्स दिए थे, मतलब यहां पर 14 डेज दिए थे कि भाई प्रूव करो आपका कोई चाइना से लिंक नहीं है, डाटा यही रहता है। तो भाई आपको पता होगा PUBG मोबाइल तो यार सिंपली अपना चाइना से लिंक ही था, आपको पता ही होगा शेयर्स थे अपने, तो गाइस वहां पर PUBG मोबाइल बैन हो गया था। लेकिन भाई PUBG मोबाइल जब बैन हुआ था ना उसको 2 वीक्स का टाइम दिया था, तो यहां पर सेम टू सेम BGMI को भी टाइम मिलने वाला है 2 वीक्स का, इसे प्रूव करना होगा कि भाई हमारा चाइना से कोई लिंक नहीं है। बट यहां पर एक सबसे घटिया चीज बता दूं कि हां भाई चाइना से BGMI का लिंक है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भाई PUBG मोबाइल जब बैन हुआ था तो मैं ये बताया गया था कि भाई चाइना से कोई लिंक मत रखो, फिर भी ये रखते हैं, और भाई इसमें थोड़ी बहुत इनकी भी गलती है मैं मानता हूं। यहां पर 15% शेयर्स अपने चाइना के भी हैं, डेटा यहां वहां होता ही रहता है, और इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि भाई डेटा यहां का वहां जाए। और BGMI शेयर्स तो निकाल देता चाइना को, यहां पर पूरी तरीके से रिमूव कर देता, बट ये जो आप सभी लोग स्किन्स देखते हैं ना अपने BGMI के अंदर, ग्लेशियर बन रही है, M24, M4 जो भी स्किन बन रही है ना, ये भाई वही बनाता है, चाइना बनाता है, यहां पर Tencent ही बनाती है, ना कि क्राफ्टन बनाता है। तो भाई बहुत बड़ा हाथ यहां पर Tencent का है, इसके बिना क्राफ्टन अधूरा है, मतलब अधूरा क्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार स्किन्स जो बनाती है रॉयल पास बनते हैं, अपने जो उसकी स्किन बनती है, आउटफिट के स्किन बनते हैं, इमोट बनते हैं, वो भाई क्राफ्टन बनाता है, जो अपनी चाइनीज कंपनी है। और अब काफी सारे महाशय ये सोच रहे हैं कि भाई हम VPN लगा के खेल लेंगे, VPN से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैन हो जाए तो हो जाए। तो गाइज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, VPN लगा के आप लोग BGMI को कभी भी प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि यार आपको पता होगा BGMI सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया था, अदर कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं था BGMI। तो अगर आप कोई कंट्री का सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं कोई भी समझ लो पाकिस्तान हो गया, USA हो गया, किसी का कनेक्ट करता हूं, तो भाई उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है BGMI, तो मुझे रन करने ही नहीं देगा, परमिशन ही नहीं है। यहां पर आप लोग PUBG मोबाइल भले ही खेल सकते हो लेकिन BGMI को नहीं खेल सकते, और ID ट्रांसफर भी आप लोग यहां पर नहीं कर सकते। देखो यार, BGMI बैन होता है, BGMI बैन होने के बाद फिर से कोई एक नया ऐप बनता है, जैसे अपना गेम फॉर पीस है, मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, मैं गेम फॉर पीस भी खेलता हूं, तो गेम फॉर पीस जिन जिन बंदों को पता है उनको अच्छी बात है यार, तो ऐसा एक अलग से गेम बनता है, मतलब गेम फॉर पीस बिल्कुल ही अलग है, उसकी दुनिया ही अलग है, मतलब यहां पर आपको कुछ मोड सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं, गन सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर चीजें 90% उनकी अलग ही चलती रहती है, उनकी दुनिया ही अलग है। तो ऐसा कोई गेम अगर मतलब एप्लीकेशन बन के अपने इंडिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाई जाती है ना, तो वहां पर आप लोगों को ID ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है, वरना कुछ भी नहीं मिल सकता यहां पर, ठीक है। और यहां पर गाइस मुझे एक पोस्ट देखने को मिली है ऑफिशियल्स की तरफ से, भाई बहुत घटिया लगा ये सुन के। यहां पर देखो पोस्ट के अंदर इन्होंने ये बताया कि भाई हम तहकीकात कर रहे हैं, हमें अभी तक मतलब ये नहीं पता लगा है कि भाई ये कोई ग्लिच है, ये है, मतलब भाई इतना हंगामा हो चुका है, इतने बंदे ट्वीट कर रहे हैं BGMI बैन ट्वीट, ये फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, और भाई ये बंदे बोल रहे हैं ऑफिशियल्स वाले मतलब मैनेजर जो है ये बोल रहे हैं कि भाई ये कोई ग्लिच है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, हमें इसे पता लगाने दो। तो भाई मैंने बोला ये क्या क्या मतलब कर क्या रहे हो भाई, तुम इतना मतलब बवाल हो चुका है और आप कह रहे हो कि भाई ये कोई ग्लिच है, प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया, ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया। और भाई आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी क्या, अपना एक्सूट आया था, मतलब अपना आया था मोड आया था एशियन टेम्पल जब अपना PUBG मोबाइल बैन हुआ, और इस बार एशियन टेम्पल आया मतलब मोड आया और एक्सूट आने वाला था फिर से बैन हो गया। तो काफी सारे बंदे भाई पनौती बोल रहे हैं इस टेंपल को ही, और आप भी यार डिमांड करते थे कि भाई ये टेंपल एक बार आ जाए, बहुत अच्छा गेम था, बहुत मजा आता था, तो देख लो यार अभी बैन हो चुका है। और हाँ मैं आपको बता दूं, टेंपरेरी बैन है,
उतनी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे और एक पोस्ट देखने को मिली थी जहां पर ये बोला जा रहा था कि भाई 1 अगस्त से आपका गेम बैन हो जाएगा, मतलब आपके सर्वर जो है कि डाउन कर दिए जाएंगे और आपको गेम में लॉग इन करने में दिक्कत होगी, आप से लोग खेल नहीं पाओगे गेम को। तो गाइज मैं तो चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी ना हो, और ये ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक ऑफिशियल आप से लोग मान सकते हो। तो एक तारीख से भाई देखते हैं, अभी 2 दिनों के अंदर शायद अपना गेम बिल्कुल ही ठप हो जाए, मतलब कुछ करने लायक नहीं बचे, हम गेम के अंदर जा ही ना पाए। तो गाइज 2 दिन आपके पास हैं, जम के गेम खेलो। और मैं तो चाहता ही नहीं यार गेम बैन हो, लेकिन चाइनी के शेयर है ना भाई, इनके क्या करना चाहिए क्या समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मतलब चाइनीज कंपनी भी अपना डेटा कंट्रोल कर सकती है, मतलब आपका जो डेटा है ना वो चाइना में भी जाता है, और ये इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हमारा इंडिया का डेटा चाइना में जाए, बिकॉज आपको पता ही होगा यार चाइना पे अपना कितने मतलब 36 का आंकड़ा है। तो अपन नहीं चाहते यार चाइना के अंदर कुछ जाए, बट ये BGMI वाले पता नहीं यार उससे फिर से लिंक करके फिर से ले आए। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि भाई जब आया था जब तुमने तभी क्यों नहीं क्लियर करा कि भाई चाइना से ये लिंक है विंक है, अभी समझ आ रहा है कि भाई हाँ चाइना से लिंक है। भाई ये गलत सीन है यार, तभी बैन कर देते BGMI जैसे ही आया, 5-6 दिनों के अंदर उन्हें पता लग जाता और तभी बैन कर देते तो अच्छा होता। बट 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, एनिवर्सरी आ चुकी थी आपको पता होगा BGMI की, और अब जाके इन्हें पता लग रहा है कि हाँ चाइना से शेयर भी हैं। तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट यार ये गलत सीन है यार, तुम इतने टाइम के बाद बैन कर रहे हो। बट ठीक है यार, मैं तो कहना चाहूँगा BGMI बैन होता है होन दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाइना से शेयर है, जान दो यार, डेटा वेटा नहीं जाना चाहिए अपना। एक अलग से एप्लीकेशन बने, जैसा अपना गेम फॉर पीस है वैसी एक एप्लीकेशन बने, अलग से बने, पबजी मोबाइल से दूरों दूरों को नाता नहीं रहना चाहिए भाई। यहाँ पर जो स्किन पबजी मोबाइल के अंदर आ रही है ना वो इसमें कभी ना आए, और इसमें जो आ रही है वो उसमें ना आए, मतलब यहाँ पर जैसा गेम फॉर पीस चलता है ना अपना एकदम मस्त अलग ही दुनिया में, वैसा चले ना भाई मज़ा आ जाएगा, और ये कभी बैन नहीं हो सकता। और मैंने आपको बताया था एक बच्चे ने अपने मदर को मार दिया, एक बच्चे ने अपने 10 लाख रुपये उड़ा दिए अपने अकाउंट से, तो ये भाई इसका कोई मतलब नहीं था, मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, बट इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं था। सिंपल सा यहाँ पर जो एलिगेशन लग रहा है वो ये लग रहा है कि भाई चाइना के अंदर आपका शेयर है 15%, 15 नहीं है, 14-13 कुछ ऐसा ही है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट, बट हाँ 15% आपसे लोग समझ सकते हो। तो इतना शेयर जा रहा है और डेटा भी जा रहा है, तो कंट्रोल चाइना भी कर सकता है हमें। तो बस यही कहना था मुझे, मतलब BGMI के सस्ते नशे की वजह से लाखों ऑडियंस उदास हो चुकी है उसकी खुद की, और भाई ये डेड होने का रीजन फिर से बन सकता है। मतलब पबजी मोबाइल बैन हुआ था आपको पता होगा, जो क्रेज जो हाइप उसने बनाई थी ना भाई, पागल थे, पबजी मोबाइल का नाम सुनते बंदे पागल हो जाते थे, वो चीज BGMI के अंदर अभी भी नहीं आई। मतलब यहां पर ये उठा ले आया, बट 50% उठा ले आया, लेकिन अगर अब बैन हो जाता है ना भाई, वो ऑडियंस वो क्रेज ये कभी नहीं बना पाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं तो नहीं चाहता यार ये ऐसा कुछ हो, देखते हैं यार क्या होगा, अभी आगे चल के पता लग जाएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लो, जैसे ही कोई ऑफिशियल्स की तरफ से अपना कुछ भी निकल के आता है XYZ कुछ भी, मैं आपको वीडियो बना के सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आप सभी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, या फिर आप सभी लोग मुझे बता सकते हो कहीं पे भी, यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पे वीडियो बना के बाकी लोगों को भी बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी सारी की सारी कि अपने गेम के साथ क्या चल रहा है नहीं हो रहा है अपने गेम के साथ। समझ आ चुका है तो अपने फ्रेंड के अंदर शेयर करना, उसे भी समझा देना कि भाई देख अपने गेम के साथ क्या क्या चल रहा है, ज्यादा डर मत, अभी टेम्पररी बैन है, उसे भी बता दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के अंदर जो कि मैं बता चुका हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दो, और भाई प्रे करो कि हाँ यार बैन ना हो, टेम्पररी बैन है, 2-4 दिन के अंदर हट जाए और अपना BGMI रिटर्न आ जाए, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। चलो यार आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।